बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। बहुत ज़बरदस्त हमारी भाषा कढ़ाई बनेगी, बहुत कम मसालों में, बहुत मज़े की। जो खाएगा आपको याद ही करेगा। तकरीबन 2 किलो गोश्त में हम डालेंगे 1 कप ऑयल, 2-3 मैंने साइज के प्याज डाले। इसमें चिकन के साथ टमाटर काफ़ी ज़्यादा डालेंगे, अदरक काफ़ी ज़्यादा डालेंगे, मिर्ची के साथ ही टेस्ट होगा, मसाले बहुत कम डालेंगे। प्याज आधा ब्राउन हो चुका, अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 पाव टमाटर, तकरीबन 400 ग्राम। 4-5 मिनट में टमाटर का पानी खुशक हो जाएगा, फिर इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 किलो चिकन। बहुत मज़े की कढ़ाई बनने वाली है, बहुत मज़ा आएगा, आप भी बनाया करें, बहुत आसानी से बन जाती है, मसाले भी इसमें ज़्यादा नहीं डालते। अब हम इसमें डालते हैं चिकन, तकरीबन 2 किलो चिकन है। आँच हल्की नहीं करनी, तेज ही रहने देनी है, ताकि चिकन पानी छोड़ेगा, उसका पानी खुशक हो जाए। ये हम इसको अब हम तकरीबन 10 मिनट के लिए ढाँप देंगे, ताकि पानी अच्छी तरह खुशक हो जाए, हमारा चिकन गल जाए। चिकन पक चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा मजीद पकाएंगे 5 मिनट, फिर इसमें मसाले डालेंगे। तकरीबन 1 चम्मच नमक, फतवे जायका, आधी चम्मच लहसुन, अदरक का पाउडर आधी चम्मच, 1 चम्मच गर्म मसाला, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच सुरख मिर्च और आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च, तकरीबन 1 चम्मच डालेंगे पिसा हुआ धनिया। ये सारे हम एकदम से डाल लेंगे, हमारा ये चिकन जो है वो गलने वाला है, अभी 2-3 मिनट पकाएंगे, बहुत कम मसालों में बनेगा। पहले हम 1 किलो में 1-1 चम्मच डालते हैं, लेकिन ये 2 किलो में हम आधी चम्मच डालेंगे, बहुत मज़े की बनेगी, जब स्टाइल कढ़ाई बनेगी बहुत मज़े की, जितनी मर्जी खाएं, बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। ये देखिए हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, ये देखिए, फिर इसको 5 मिनट मजीद पकाएंगे, ये देखिए इसमें सारे एकदम से डाल दिए सारे मसाले, ये अच्छे से डाल के अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप भी घर में बनाया करें, खुद भी खाया करें, मेहमानों को भी खिलाया करें। कढ़ाई का पानी तकरीबन खुशक हो चुका है, अब हम आँच हल्की कर देंगे, अब हल्की आँच पे 5 से 10 मिनट पकाएंगे। स्पेशल ढाबा स्टाइल कढ़ाई कम मसालों में बनती है, बहुत मज़े की बनती है। कितनी ज़बरदस्त हमारी ढाबा स्टाइल कढ़ाई बन रही है, अभी हम खाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत खुशबू मसालों की आनी शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि ये पक गई है, माशाल्लाह। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है, बहुत मज़े की बनी है, जब भी हम डिश आउट करेंगे ये खाएंगे। हमारी कढ़ाई बन के तैयार हो गई है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है, ये देखें, बहुत खूबसूरत लग रही है, अभी हम खाएंगे।